मेरी कैंडी खत्म हो गई है, मुझे और चाहिए अभी। क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये मेरी प्यारी पोती मार्गो है, उसे जो चाहिए मैं उसे दूंगी। ऐसा लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है। मुझे उठना होगा। मेरी प्यारी बहन मार्गो किसी बात से खुश नहीं है, उसे शांत करने का समय है। यह अगर बड़ी बहन नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। मेरा सुझाव है कि हम चुनौती शुरू करें। दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओ हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो, बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट है। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी, तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। आह, किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं, इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े। हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह, रेबेका, तुमने जार खोला, अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने ये रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। मेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़े डरावने दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है, और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही है, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स है जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है, मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ, तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है, ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबेका,
मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल, और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है, और मार्गो को विटामिन की जरूरत है, इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों ना सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे यकीन है मार्गो को यह बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है, मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि यह तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारे मदद की जरूरत है, मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी, ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया, और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी, और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। वेंसडे हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पिच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, यह घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है, चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। हुर्रे! चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, यह खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से, मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? यह थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है, हालांकि यह अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है, मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती, मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है, और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा, और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है, और आटे को रंग देने का समय है, ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा, और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है, हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं अभी क्या करती रहती हूँ, कितना भयानक है। वेंसडे, देखो आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद, मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी, बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट लेकिन कितना बोरिंग। क्या पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है, केचप और आंख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए। आपको यह आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वह नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है, मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यह कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है, मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। बिंगो। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई, मैं खास करके तुम्हारे लिए हेयर पिन लाई थी, मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो।
आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रोटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वह लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखें कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबिका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है, पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है, और आज कोई अपवाद नहीं है, ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। बारादा को सब्सक्राइब करें, फिर हमारे हीरोज लगातार आपके मूड को खुश करने में सक्षम होंगे। हमारे चैनल पर ऐसे ही स्वादिष्ट और मजेदार चुनौतियाँ आपका इंतजार कर रहे हैं।